Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज के सारे वीडियो में मैं बना हूं एक स्कूल टीचर, वो भी एक ऐसे स्कूल का जिसमें बहुत सारे डम बच्चे हैं. तो मुझे इन बच्चों को पढ़ाना है, इनके एग्जाम्स लेने हैं और उसके बाद इन्हें मार्क्स देने हैं. तो मजे तो बहुत आने वाले हैं क्योंकि इस टाइप का एक गेम मैंने पहले भी खेला है और भाई उसमें भी बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब स्टूडेंट्स थे स्कूल में. लेट्स सी ये स्कूल कैसा है, स्टूडेंट्स कैसे हैं. आ जाओ. ओके, तो क्लास चालू हो चुकी है और कोई भी बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आया. भाई कौन सा स्कूल है? यहाँ का बर्थडे पार्टी चल रही है, सब येलो ग्रीन पिंक, पीछे विंडो अलग तोड़ा हुआ. भाई मम्मी को समझ आ गया ये बच्चे बिगड़े हुए सारे. बाकी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमने इससे पूछा है कि ये कौन सा कंट्री है, जो कि इंडिया और ये लड़की यूरोप बता रही है. भाई इसको, इसका नाम काटो, स्कूल से निकालो इसको भाई ऐसे. चलो नेक्स्ट, ये इससे देखते हैं. हमने इससे पूछा है ये ऑस्ट्रेलिया. भाई सही बताया मैंने, ऑस्ट्रेलिया है. ये समझदार बच्चा है, इसकी शक्ल याद रखूंगा, वो चॉकलेट मिलेगी बाद में. नेक्स्ट क्वेश्चन साउथ अफ्रीका. ठीक है, ये भी बहुत सही. मेरी भी ज्योग्राफी थोड़ी ठीक है इसलिए मैंने बता दिया. तो नेक्स्ट क्लास है अपना ड्रॉइंग का. तो हमने इसको एक फ्लावर ड्रॉ करने के लिए बोला था और इसने काफी ठीक बनाया, तो मैं इसको ए ग्रेड दूंगा. चल भाई पास है तू. नेक्स्ट आजा भाई, ड्रॉ अ क्लाउड. इसको एक बादल बनाने के लिए बोला था और ये क्या लिख रहा है? माय डॉग एट द ड्रॉइंग. डंडा लाओ भाई. ये कह रहा है कि जो मैंने ड्रॉइंग बनाई थी वो मेरे कुत्ते ने खा ली. तो बेटा पिटेगा किसी दिन, भाग यहां से. मेक अ लाइन दैट कनेक्ट्स द टू डॉट. आई 1 2. ये सीधी लाइन क्यों नहीं खींच पाया भाई? बीच में स्माइली क्यों बना के लाया? भाग यहां से पागल. भाई कैसे स्टूडेंट रह रहे हैं यार यहाँ पे. पर एक चीज मस्त है भाई, हर क्लास कंप्लीट करने के बाद हमें पेमेंट मिलती है. $120 मिले हैं इस बारी. ऐसे तो हम लोग पैसा कमा कमा के अमीर टीचर बन जाएंगे. ओके नेक्स्ट क्लास. ये पता नहीं किस चीज की क्लास है. तो इसके लिए क्वेश्चन था कंप्लीट द वर्ड. इमेज में साफ साफ एक बर्ड बनी हुई है और इसने BIRD करेक्ट करा. चल भाई लेट्स गो. नेक्स्ट आओ, फाइंड अ वर्ड. इसने इतने सारे मल्टीपल वर्ड्स में से कैट ढूंढा है, तो ठीक है मतलब करेक्ट है. नेक्स्ट आ जाओ भाई, कंप्लीट द फ्रेज विद द फिटिंग वर्ब. ये क्या है भाई? ये क्या है? आई ये इसको पागल है, यूनिकॉर्न क्यों बना कर लाया? निकल यहां से. अलग ही है भाई. ये तो बस स्टार्टिंग थी, बट आगे चल के बहुत अजीब अजीब स्टूडेंट्स आने वाले हैं इस गेम में. ओके नेक्स्ट क्लास, द मून ऑर्बिट द सन द अर्थ या नन. इससे पूछा था मून किसके चक्कर लगाता है, इसने कहा अर्थ के. करेक्ट है भाई. नेम ईच पार्ट ऑफ द ट्री. तो इसने नीचे वाले को ट्रंक बोला, ऊपर वाले को लीव्स बोला. करेक्ट है भाई. नेक्स्ट आओ, द फर्स्ट सेल्स वर प्रोबेबली लोनली. अरे तू पागल है क्या भाई? इसको ये क्या लिख कर लाया यार? भाई यहां से. मतलब इन्होंने फिक्स कर रखा है गेम वालों ने, हर क्लास में इन्हें डम स्टूडेंट दिखाना है बेमतलब. अभी तक मुझे एक भी क्लास ऐसी नहीं दिखी है कि जिसमें सारे स्टूडेंट्स के आंसर ठीक हो. ओके नेक्स्ट क्लास, प्रोटेक्ट योर एग बेबी, नो स्क्रैचेस नो ब्रेक. ये किस चीज की क्लास है भाई? ये तो हमारे स्कूल में हुई नहीं कभी. होम इकोनॉमिक्स. ओ तो मेरे हिसाब से इसने ठीक ही प्रोटेक्ट करा है, मेरे को पता नहीं बट ठीक है. नेक्स्ट ये क्या भाई? बैटमैन बनाकर लाइए. मेरे को तो ऐसे लग रहा है इसने स्क्रैचेस तो दे दिए ना वो नीचे डिजाइन करने के लिए. गलत गलत, भाग यहां से. नेक्स्ट भाई ये तो, अरे भाई ये तो ऑमलेट ही बना कर ले आई. पागल है क्या भाई? ये थी सबसे डम क्लास जिसमें दो स्टूडेंट्स बेकार थे, एक ही ठीक था बस. चलो नेक्स्ट क्लास, विच कंट्री? कनाडा. परफेक्ट. नेक्स्ट आओ भाई, ड्रॉ अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाया वाटर. इसने बोट बनाई है. करेक्ट है भाई. नेक्स्ट क्लास, ये द शेप ऑफ द अर्थ इज फ्लैट. ट्रू क्यों लिख दिया यार? एटलीस्ट ये वो क्लास निकल सकती थी जिसमें सारे स्टूडेंट्स ठीक थे, बट नहीं, फॉल्स. भाग यहां से. चलो भाई नेक्स्ट क्लास, ये तो मैथ्स का क्लास है. कंप्लीट विद द राइट नंबर. 5 + 4 = 9. करेक्ट. पेंट 2/4 ऑफ द सर्कल. सही बनाया इसने. फाइंड द x, x का वैल्यू फाइंड करना. वेट एक सेकंड. डंडा भी नहीं. स्कूल की रजिस्ट्री वाली डायरी होती है ना, इसमें बच्चों का नाम लिखा जाता है, बोला इसका नाम काटो भाई, ये नाम खराब कर रहा है स्कूल का. एक ट्रायंगल देखिए, उसकी दो साइड की वैल्यू दे दी 3 और 4, और एक साइड की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो उसमें लिखा था फाइंड द x. नहीं, वेट भाई, स्कूल की गलती है. क्वेश्चन होना चाहिए था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. उसको बिचारे को बोला फाइंड द एक्स, तो उसने लिख दिया भाई ये रहा एक्स, सामने देखो लिखा हुआ है. भाई देखो स्कूल की गलती है, तो मेरे हिसाब से उसका आंसर ठीक है. मतलब मैं उसे रॉन्ग नहीं कहूंगा, ये ठीक में जाए. मेरे पैसे कट गए यार. मेरे पैसे कट गए खाली वैल्यू, बट ठीक है यार, वो बच्चे ने सही लिखा है. उससे वैल्यू पूछो ना एक्स का. एक्स पूछोगे तो बता देगा कहाँ पे. क्वेश्चन नहीं गलत था. ओ भाई वेट, एक सेकंड. केमिस्ट्री क्लास है यार. एक सेकंड, मुझे अपने अकॉर्डिंग इससे एक्सपेरिमेंट करवाना है क्या? इनकी वैसे केमिस्ट्री क्लास नहीं है ये, ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती है क्या? तो पहले मुझे इसे ब्लू वाला डालने बोलना है. खुद से डालेगा. बस अभी पिंक वाला बढ़िया, अभी ब्लू वाला और डाल, पिंक वाला डाल, डाल डाल डाल. बहुत सही, चलो बन गया वॉल्केनो, बन गया तेरा और वर्क कर गया भाई. लेट्स गो. एक बच्चा पास. नेक्स्ट आओ. तो अभी हम लोग सबसे एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, जो गलत करेगा वो हार जाएगा. वैसे कंट्रोल तो अपने पास है यार. तो पहले ब्लू वाला डाल, फिर पिंक वाला डाल और फिर ब्लू वाला डाल. चलो भाई तेरा भी हो गया. डाल ना, शर्मा क्यों रहा है? वर्क कर गया इसका भी. करेक्ट. नेक्स्ट आओ. मुझे ऐसा लग रहा है इसके में कोई गड़बड़ होने वाली है, 100% इसके में कोई गड़बड़ होने वाली है. पहले तो पिंक वाला डाल पूरा, फिर ब्लू वाला डाल, इसका भी वर्क करेगा. ठीक है चलो भाई, सारे स्टूडेंट समझदार थे. ये अलग चीज का क्लास था और इस क्लास का कंट्रोल मेरे हैंड में था, तो सब कुछ एकदम करेक्ट हुआ है. चलो भाई नेक्स्ट क्लास, हमने इसको एक
काओ ड्रॉ करने के लिए बोला था और ये यूएफओ ड्रॉ करके लाई है। पागल है क्या? ऐसा नहीं है कि बुरी ड्रॉइंग करी है, अच्छी करी है इसने। निकल यहाँ से तू। ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लाइज। भाई रॉकेट ही ड्रॉ कर दिया। करेक्ट है। द मोनालिसा इज अ फेमस टाइप ऑफ फूड, डिजीज और पेंटिंग। रियल आंसर तो पेंटिंग है बट इस बंदे ने लिखा टाइप ऑफ फूड। भाई पागल कौन से गाँव से है? चलो भाई दोबारा से आ जाओ भाई ज्योग्राफी पे। फिर से यूरोप बताया तूने। भाई तू सुधरेगा नहीं क्या? चले यहाँ से। इनको यूरोप क्यों लग रहा है इंडिया? चलो नेक्स्ट, ये है ब्राजील। करेक्ट है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये है चाइना। ये चाइना ही होता है ना? सही बता रही है भाई, सही बता रही है। मुझे, मैं खुद भटक गया था। नेम द इंडिकेटेड बॉडी पार्ट, हैंड, विच वन लेज एग्स, काओ, बैट, टर्टल। इन तीनों में से अंडे कौन देता है? मेरे को यार टर्टल का नहीं पता, काओ तो नहीं देती है। बैट 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 अंडे देता है या टर्टल? आई थिंक टर्टल अंडे नहीं देता, टर्टल अंडे नहीं देता, तो इसका आंसर रॉन्ग। टर्टल अंडे। माई टेस्ट वॉज करेक्ट। भाई भाई ओए, ये बच्चा तो चढ़ रहा है हम पे। भाई ये हमारा नाम कटवा देगा स्कूल से। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको $30 देके मामला सेटल कर लूं, वरना भाई ये मुझे सस्पेंड करा सकता है। चल भाई ये तू $30 ले ले भाई, बड़ा डेंजर बच्चा था ये तो। व्हाट्स द कॉमन नेम ऑफ द कंपोजिट? हकूना मताता। हाँ सही है। गलत है, मुझे पता ही नहीं था। नेम द शेप, बॉब। शेप का नेम बताना, बॉब क्या होता है? छह साइड है, हेक्सागन हुआ ना। गलत है भाई तू। कंप्लीट विद द करेक्ट प्लूरल, ब्रशेस। करेक्ट है। नेक्स्ट आओ भाई। हाउ मैनी, भाई इसने तो क्वेश्चन मिटा रखा है, ये कैसा स्टूडेंट है भाई? हाउ मैनी, वैसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाउ मैनी वोवल्स हैव द वर्ड कार? कार वर्ड में कितने वोवल्स होते हैं? आंसर था वन। देर वॉज अ नो क्वेश्चन सो आई गेट एन ए प्लस। इस बंदे ने क्वेश्चन को काट के लिखा है, देर वॉज अ नो क्वेश्चन, तो मुझे ए प्लस मिलना चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं है, इधर डंडा ही आएगा। चलो भाई अभी है जिम क्लासेस। हमें बच्चों से बस एक्सरसाइज करवानी है क्या? ओ अच्छा, पहले मुझे खुद एक्सरसाइज इन्हें करके दिखानी होगी। कैसे करनी है? ऐसे करो पैर, फिर ऐसे करो, ये वाला हाथ ऊपर करो, फिर ये वाला हाथ ऊपर करो। अच्छा जंपिंग जैक्स कराना, सीधे बोल दो ना यार, आता होगा बच्चों। ये कैसी एक्सरसाइज है भाई? चलो सामने बच्चे तो कर रहे हैं, ये बात ऐसा जंपिंग जैक्स करो भाई। भाई बड़े फालतू है जिम क्लास यार। हो भी गई, वाह, दो कोड़ी की जिम क्लास। अरे यार ये वापस से होम इकोनॉमी, प्रोटेक्ट योर एग बेबी, नो स्क्रैचेस नो ब्रेक। चल 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 तू ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी आओ तू भी। चल 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 चल, अरे बहुत सही, अभी फास्ट टीचर हूँ। चल चल चल, सही है सही है। ये क्या लाया भाई तू? नो स्क्रैच नो ब्रेक्स, ठीक है ठीक है। तीन, ओ भाई ये पहली क्लास थी जिसमें तीनों स्टूडेंट्स करेक्ट थे। ओके दोबारा से क्वेश्चन आंसर की क्लासेस चालू हो चुके हैं। आई हैव 3 कुकीज एंड 8-1, हाउ मेनी कुकीज डू आई लेफ्ट? वेट, तो दोबारा से क्वेश्चन आंसर की क्लासेस चालू हो गई है। आई हैव 3 कुकीज एंड 8-1, हाउ मेनी कुकीज डू आई हैव लेफ्ट? दो बचे, इसने लिखा नॉट इनफ। पागल है तू। हाउ मच ऑफ द पिज्जा इज लेफ्ट? तो एक टाइप से मैथ का क्लास है, चार स्लाइसेस में से एक खाली, दो तीन बचे। करेक्ट है। कैलकुलेट 9 - 4 = 6, 5 होता है भाई। दो बच्चे गलत हो गए इस क्लास में। वैसे अभी तक एक क्लास भी हमें ऐसे नहीं मिले जिसमें तीनों स्टूडेंट्स गलत हो, तो इस स्कूल में इतने भी ज्यादा डम स्टूडेंट तो नहीं है। नेक्स्ट क्लास, व्हाट कंट्री ओन्स ग्रीनलैंड? उसने लिखा है ब्लू लैंड, उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा। ये क्वेश्चन का क्वेश्चन कर रही है। अगल, दिस इज द फ्लैग ऑफ फ्रांस। फ्रांस का फ्लैग थोड़ी होता है, तो ब्राजील का है ना। उसने लिखा ट्रू, गलत। नेक्स्ट भाई, मेरे को लग रहा है वो क्लासेस में सब गलत है। मार्क अ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बराक ओबामा, माइकल जॉर्ज। भाई भाई सही करा बंदे, चलो सही है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, रेन और फार्ट, बट रियल आंसर विंड है। और इस बंदे ने क्या लिखा है? रेन। पागल है क्या थोड़ा सा? व्हाट प्लैनेट हैज रिंग्स? सैटर्न। करेक्ट। मैटर इज पुल्ड टू द ग्राउंड बाय ग्रेविटी, एलियंस। भाई ये अलग ही दुनिया, एलियंस। हाँ भाई तू तू सही है भाई, एलियंस। चलो भाई चलो चलो, मैं इन स्टूडेंट्स को और नहीं झेल सकता। एकदम फालतू क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके फालतू आंसर्स आ रहे हैं। पता चो भी काफी सिंपल सा गेम है, पिछली बार वाला ज्यादा फनी था, बट आपको दोनों में से कौन सा लगा नीचे कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।